नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम झारखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों के सेट भागवन लेके आए हैं, और जो जो हमारे चैनल में नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। तो चलते हैं, चलिए आज क्वेश्चन नंबर वन की ओर। क्वेश्चन नंबर वन, किस वृक्ष को पर्णपाती पतझड़ वनों का राजा कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा साल। सर, झारखंड का अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था? इसका आंसर होगा ढाल विद्रोह। तो झारखंड के विधानसभा 2014 में राज्यपाल द्वारा मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ग्लेन जोसेफ गोलस्टोन। तो पहाड़िया विद्रोह में कहाँ की रानी ने सहयोग दिया? इसका आंसर होगा महेशपुर की रानी। तो कौन सा फल अमृत फल कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा आम। तो चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भेखन सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई? इसका आंसर हो जाएगा 1802 ईस्वी में। तो संयुक्त राष्ट्र शांति पदक से सम्मानित होने वाले झारखंड के प्रमुख छायाकार कवि का नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा सचिंदा। तो पलामू परगना को नीलाम करने के पश्चात अंग्रेजों ने इसके शासक की जिम्मेवारी किस राजा को दी थी? इसका आंसर हो जाएगा घनश्याम सिंह। झारखंड को भारत के कला क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान दिलाने वाले कलाकार हरेन ठाकुर किस कला से संबंधित हैं? इसका आंसर हो जाएगा चित्रकला। तो भारत देव के राजा घनश्याम सिंह एवं ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध 1817 ईस्वी में किस जनजाति ने विद्रोह किया? इसका आंसर हो जाएगा चेरो विद्रोह। तो छोटा नागपुर के हो लोगों ने किस वर्ष जबरदस्त विद्रोह किया? इसका आंसर हो जाएगा 1820-21 ईस्वी। तो 2016 में झारखंड में ईसाई धर्म मनाने वाले की संख्या कितनी प्रतिशत है? उत्तर 9%। तो परमवीर चक्र सम्मानित अल्बर्ट एक्का किस ब्रिगेड से संबंधित थे? इसका आंसर होगा ब्रिगेड ऑफ द गॉड्स। तो बिहार के मुगल सूबेदार इतिकाद खां ने पलामू के चेरोवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध आक्रमण और संधि कब की? इसका आंसर हो जाएगा 1643-44 ईस्वी। तो दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट कौन थे? इसका आंसर होगा कैप्टन विल्किंसन। भारत का तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना झारखंड के किस स्थान पर है? इसका आंसर हो जाएगा घाटशिला। तो भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा गंगा नारायण सिंह। तो 1660 ईस्वी में बिहार के किस मुगल सूबेदार ने पलामू किले पर आक्रमण कर उसे जीता? इसका आंसर हो जाएगा दाऊद खां। तो भूमिज विद्रोह कहाँ हुआ? इसका आंसर हो जाएगा सिंहभूम मानभूम। तो भूमिज विद्रोह का नायक गंगा नारायण सिंह किसका पुत्र था? इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सिंह का पुत्र था। दोस्तों, ये सब जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से पढ़ें और याद रखें ये सब सारे क्वेश्चन। तो गोंड जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? दीपा या बेवार। तो करमाली जनजाति किस नदी को पवित्र नदी मानते हैं? इसका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी को। तो भूमिज विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? इसका आंसर हो जाएगा कंपनी द्वारा जमींदारों पर अत्यधिक राजस्व थोपना। तो राजमहल फॉसिल अभयारण्य कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा साहिबगंज। तो बेतला नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा बाघ संरक्षण के लिए। स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? इसका आंसर हो जाएगा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा। तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर होगा रांची। तो भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी एथलीट बनने का श्रेय झारखंड के किस खिलाड़ी को प्राप्त है? इसका आंसर हो जाएगा विजय नीलमणि खलको। तो चांची झील कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा धनबाद। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रभात कुमार। छोटा नागपुर केसरी से किस व्यक्ति को विभूषित किया गया है? राम नारायण सिंह। जाटकोर पूजा किस जनजाति का सर्व प्रमुख त्यौहार है? खड़िया जनजाति का। किस जिले में सर्वाधिक अबरक पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा कोडरमा। तो जनजातीय देवता ओतगा का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा शिकार। झारखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मण उराव। सोरैया तथा माल पहाड़िया जनजातियों के बीच स्त्री धन या दहेज के रूप में ली जाने वाली रकम क्या कहलाती है? बंदी। मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा हजारीबाग।
आज का सेशन यही समाप्त होता है। जो लोग हमारे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो पुराने लोग हैं वो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।